बिग बॉस में एक टास्क कल के दिन रखा गया था, बीबी की अदालत। बीबी की अदालत में सबको उनकी कमजोरियां, सबको उनके क्या लोगों को पसंद आ रहा है, क्या लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, उन सभी के चीज़ों के बारे में बताया गया। हमें ये भी देखने को मिला कि कहीं ना कहीं रुबीना, राहुल, एजाज, इनके बीच जो जो डिफरेंसेस थे उनको भी सॉर्ट करने की कोशिश की गई। पवित्र पुनिया और एजाज के बीच जो भी डिफरेंसेस थे उसे भी सॉल्व करने की कोशिश की गई। लेकिन आज होने वाला है नॉमिनेशन टास्क ज़बरदस्त। ये कोई सिंपल टास्क नहीं होगा। हाँ दोस्तों, राहुल को पहले ही सेव कर लिया गया है कहीं ना कहीं। अब जो कि फराह खान के पास एक ताकत थी, जिन्होंने जो है राहुल को सेव कर लिया। लेकिन अब हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक ज़बरदस्त टास्क चलने वाला है, जिसमें जो है प्रॉपर आप कह सकते हैं कि ये मुझे अगर कुछ फ़ायदा चाहिए तो तुम्हें नुकसान करना पड़ेगा, ये वाला टास्क होने वाला है। यानी कि यहाँ पे कहा जाएगा जान कुमार सानू को कि अगर तुम्हें सेव होना है तो तुम्हें मनाना पड़ेगा कि निकी तंबोली अपना एक ब्लैंकेट जो है, जो जो जिसे वो बहुत पसंद करती है, अपने साथ रखती है, वो उन्हें जो है दाव पर लगाना पड़ेगा। यहाँ दोस्तों, पर्सनल जो ब्लैंकेट है वो उन्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा अगर उन्हें बचाना है नॉमिनेशन की प्रक्रिया से जान कुमार सानू को। अब यहाँ पे देखते हैं कि निकी क्या करती है, क्योंकि निकी ने तो अदालत वाले टास्क में यही कहा था कि यहाँ पे कोई दोस्त नहीं, यहाँ पे कोई दुश्मन नहीं, और सभी जो है अपने अपने गेम खेल रहे हैं। अब इस मौके पे क्या वो जान का साथ देंगी, अपना जो ब्लैंकेट है जो उन्हें बहुत पसंद है उसे डिस्ट्रॉय करेगी या नहीं, वो सभी की आंखें उस पर बनी रहेगी। अगर वो आज जान के लिए उसे डिस्ट्रॉय कर देती है तो हमें कहीं ना कहीं ये तो ज़रूर देखने को मिलेगा कि निकी जो उनके आसपास है, भले ही उन्हें दोस्त ना कहती हो, लेकिन हाँ उन्हें उनके लिए जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो उनका साथ देगी, ये हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं अगर वो डिस्ट्रॉय करती है। अगर नहीं करती तो ऑफकोर्स जिस तरह से निकी अभी तक खेलती आ रही है, उनको किसी की परवाह नहीं, कोई उनका दोस्त नहीं, तो वो साबित हो जाएगा। लेकिन वो क्या करेगी वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। वेल, आपको क्या है कहना कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें।